वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज कैसे हैं, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। तो गाइज आज के इस ब्लॉग में आपको अवध विहार योजना ओवर ब्रिज बना है, जो कि मैंने आपके पिछले वीडियो में मैं आपको दिखाया था। तो इस ओवर ब्रिज से आगे हम सेवई और नरपतगंज से होते हुए आगे हम किसान पथ की तरफ चलेंगे, और मैं आज के इस ब्लॉग में आपको किसान पथ को दिखाऊँगा और आगे का जो भी है सब कुछ दिखाऊँगा आपको। तो गाइज वीडियो में बने रहिए, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आपको मैं पिछले ब्लॉग में मैंने आपको ये ओवरब्रिज दिखाया था, और ये आपको पूरा ये अवध विहार योजना को भी इधर दिखाया था। और गाइज आज इसके इस ब्लॉग में हम इसे ओवर ब्रिज से आगे को चलेंगे। आगे सेवई है हमारा और नरपतगंज का पूरा इलाका है, और आगे ये रोड नगराम, इसको नगराम रोड भी बोला जाता है, तिलमथा नगराम रोड। ये रोड आगे जाके मोहनलालगंज में भी मिला है, और आगे किसान पथ है। तो हम आगे इसी रोड में चलेंगे और आगे मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। दोस्तों ये जो ओवर ब्रिज है, ये मुख्यतः अवध विहार योजना और सेवई के ऊपर ये बना हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि इससे आगे हम नरपतगंज और खुजवली चौराहा और आगे फिर हम मोहनलालगंज को जा सकते हैं, और इसी रास्ते में हमारा किसान पथ भी बना हुआ है। और जो ये सामने आप देख रहे हैं, ये पूरा सेवई का ये इलाका है पूरा ये। और मैं आपको बता दूं, अभी हम सेवई जो नहर है, यहाँ पे हम नहर के पास अभी पहुँच गए हैं। ये हमारा सेवई नहर है, ये जो आप देख रहे हैं पुलिया है नहर का, और ये हमारा सेवई मार्केट है। काफ़ी अच्छा एरिया है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा अभी डेवलप हो रहा है। और गाजी बता दूँ, यहाँ से हमारा ये नरपतगंज का एरिया शुरू हो जाता है। यहाँ भी काफ़ी अच्छा अभी डेवलप हो रहा है, आप देख सकते हैं रोड के तरफ दोनों तरफ काफ़ी दुकानें वगैरह सब बन रही हैं अभी। और यहाँ बता दूँ कि आपको यहाँ पे बहुत बड़ा एक शाम को सब्जी का मार्केट भी लगता है यहाँ पे डेली, यहीं पे आपका यहाँ से शुरू होता है हमारा पूरा सब्जी का मार्केट, और काफ़ी सस्ते रेट में यहाँ पे सब्जी मिलता है। आने वाले ब्लॉग में मैं आपको यहाँ का सब्जी मार्केट का भी वीडियो बना के दिखाऊंगा। और गाइस अभी हम पहुंचने वाले हैं किसान पथ के पास। आपको शायद आपको सामने दिखाई भी दे रहा होगा, ये सामने हमारा किसान पथ है। अभी इस पर काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। ये देखिए ये ओवरब्रिज बना हुआ है, ये हमारा किसान पथ है। और ये जो सामने जो रास्ता चला गया है हमारा खुजवली चौराहा, और आगे मोहनलालगंज चला जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो किसान पथ है, इसको बनाने में करीब करीब 5400 करोड़ की लागत आई है। और जो किसान पथ की जो टोटल लंबाई है करीब 104 किलोमीटर करीब है, और अनुमानता ये है कि करीब करीब यहाँ इस किसान पथ पे डेली 40,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ गुजरेंगी इस किसान पथ से। और गाइस अभी हम आगे को चल रहे हैं, मैं आपको ऊपर आगे चल के दिखाता हूँ ऊपर किसान पथ पूरा। काफ़ी अच्छा बनाया जा रहा है इसे, अभी इस पर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है तेज़ी से। और गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो किसान पथ है, ये लखनऊ के चारों तरफ रिंग रोड
है और ये लखनऊ के चारों तरफ के एरिया को आपस में कनेक्ट करेगा। ये देखिए अभी हम आ गए पूरे ऊपर किसान पथ पे, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन उस साइड में दिखाई दे रही होगी आपको। काफी अच्छा बनाया गया है इसे। और गाइस जब हम यहाँ से राइट साइड में चलेंगे, अभी आगे तो फिर उतरने का कोई रास्ता नहीं है, हम यहीं से नीचे उतरते हैं और दूसरे लेन में चलते हैं यहाँ से। और मैं आपको दूसरा लेन भी दिखाता हूँ, ये हमारा एक कच्चा रास्ता बना हुआ है दूसरे लेन में जाने के लिए। और गाइस जब हम आ गए हैं किसान पथ के दूसरे लेन पे, आप देख सकते हैं किसान पथ के साथ साथ ये देखिए पूरी प्लॉटिंग हो रखी है, बहुत ज्यादा यहाँ पे प्लॉटिंग वगैरह हो रही है यहाँ पे। और ये देखिए किसान पथ का एक व्यू पूरा ये। तो गाइज आज के इस ब्लॉग में मैंने आपको अवध विहार योजना से किसान पथ तक का पूरा व्यू दिखाया। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, राम राम।